हेलो यो गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कैसे हैं आप सभी लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग वानी गुड मॉर्निंग अक्षय कुमार मुस्कान काशी विनय साहिती आरची शागा का बूम बूम पूजा परी वानी शिवराज सौरभ गुड मॉर्निंग टू ईच एंड ऑफ 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 यू 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 आई आई होप होप ऑल ऑल आर आर डूइंग डूइंग फैंटास्टिकली फैंटास्टिकली वेल यस वेल शिवराज सौरभ प्रेरणा जीनल आदित्य करिश्मा बीना चलिए बहुत बढ़िया बहुत ही शानदार बहुत ही उम्दा बहुत ही मजेदार शुरू किया जाए अपना आज का मुद्दा मैं पहले यहां पर लिंक पिन कर देता हूं ठीक है जितने भी लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स का लिंक मैं यहां पर पहले पिन कर देता हूं मुझे एक मिनट का समय दीजिए बस आप लोग और राइट नोट्स का लिंक मैंने यहां पर कर दिया है पिन ठीक है हाईएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन एंड एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी से हम लोग करने जा रहे हैं अब स्टार्ट तो हाइएस्ट मार्क्स इन टैक्सेशन और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी वाली चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोगों को करनी है शुरू आज की क्विज ठीक है ना हम लोगों को आज की क्विज स्टार्ट करनी है हम लोग बस क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं ओके ओके क्विज एंड एम श्योर आप सभी लोग काफी एक्साइटेड हैं और इंटरेस्टेड है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड ये रहा पहला क्वेश्चन आप सब लोगों के सामने आपके स्क्रीन पर वट इज अ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अलाउड इन प्रीवियस ईयर फॉर अ लोन टेकन ऑन फर्ट एप्री ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज बताओ दो हजार इक्कीस में लोन लिया था और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है फर्स्ट अप्रिल दो हजार चौबीस में सोचना होगा और बताना होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस में कितना अलाउ होगा सोच समझ के आपको इस चीज का जवाब देना होगा कम ऑन ये एवरीबडीज वॉचिंग ऑन यूट्यूब एवरीबडीज ऑन अड्डा ऐप कम ऑन कमॉन एवरी वन फटाफट से आप लोग इसका जवाब देंगे ओके okay. शाम कह रहे हैं थर्टी थाउजेंड शिवानी कह रही है बी थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड आरसी प्रिया डिपिंकी संकेत बीना जीनल ओके तो सभी लोग थर्टी थाउजेंड कह रहे हैं आओ एक बार देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बी So, uh, क्या है कि प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल 2021 तो 21 बाईस बाईस तेईस और तेईस चौबीस ठीक है ये साल तो इन तीन सालों का जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट आएगा और डिवाइडेड बाई फाइव जब आप करोगे तो आएगा ठीक है तो कंस्ट्रक्शन uh, कंप्लीट हुआ है प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी में तो फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर से पहले यानी थर्टी फर्स्ट मार्च टू ट्वेंटी फोर तक हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड माना जाएगा और इन तीन सालों का फिफ्टी थाउजी थाउजेंड फिफ्टी थाउज लाख फिफ्टी थाउजेंड रूपीज का आपका टोटल

कमॉन कमॉन एवरी वन क्या कहेंगे आप लोग ए कह रहे हैं कई सारे लोग सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज कह रहे हैं ओके okay. तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव यस एप्सोलूटली राइट क्योंकि प्रीवियस ईयर बीस में फर्स्ट अप्रेल टू थाउजेंड ट्वेंटी को लोन लिया तो बीस इक्कीस इक्कीस बाईस बाईस तेईस क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सिर्फ फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक का रहेगा और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड ट्वेंटी थ्री तक हमने वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाखी थाउजंड पे किया तो दिस इंटू थ्री डिवाइडेड बाई फाइव जब हम लोग करेंगे तो सेवेंटी टू थाउजेंड विल बी योर आंसर बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ऑन अ प्रॉपर्टी लोन फॉर टू ईयर इज टू लाख रुपीज हाउ मच ऑफ दिस इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन अगर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट टू लाख रुपीज का है तो कंस्ट्रक्शन uh, कंप्लीशन के पहले साल में कितना इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा ये तो बहुत ही सिंपल है एब्सोल्युटली राइट ऑल ऑफ यू फोर्टी थाउजेंड सिंपली आपको टू लाख रुपीज को डिवाइडेड बाई फाइव करना है नेक्स्ट व्हाट इज द डिडक्शन अलाउड फॉर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इफ द टोटल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिफोर कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन इज वन लाख रुपीज ये भी अगेन बहुत ही सिंपल सा है कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है वन लाख रुपीज आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अलाउ होगा डिवाइडेड बाई फाइव करके ट्वेंटी थाउजेंड आ जाएगा नेक्स्ट Mr. Vikas took a loan of 15 lakh rupees at 10% per annum on 1st April 2022 for the construction of a residential house for self-occupation. The construction of the house began in June 2022 and was completed on 30th June 2024. He has not repaid any amount of loan so far. The amount of interest and uh, deduction under section 24B for assessment year 2526, assuming he opts to shift out of the default tax regime under section 115 BAC1A is. So 1st April 2022 Pandra a loan. Liya. तो हर साल डेढ़ लाख रुपए का इंटरेस्ट इसको देना है तो बाईस तेईस में डेढ़ लाख तेईस चौबीस चौबीस पच्चीस नहीं बस बाईस तेईस और तेईस चौबीस है ना क्योंकि चौबीस पच्चीस में तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो तीन लाख डिवाइडेड बाई फाइव करना तो होगा हम लोगों को तीन लाख डिवाइडेड बाई फाइव तो एंड द करेक्ट आंसर वुड बी एंड द करेक्ट आंसर वुड बी यहां पर लोग कह रहे हैं ट्वेंटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड ओके टू लैक्स 60,000, राइट सिक्सटी थाउजेंड टू लैक्स ओके पूजा केशव विनय केशव कह रहे सर टू लैक्स विल बी दी आंसर बीना कह रही है दो लाख दस हजार ओके इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग ओके ध्यान से सुनो मेरी बात हम लोगों से यहां पर क्या पूछा है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में कितना इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलेगा तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कितना दिया है तीन लाख रुपए दिया है राइट तीन लाख रुपए वाला इंटरेस्ट हो गया प्लस एक लाख बीस हजार भी तो ,00, दिया जाएगा प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड इस साल वाला भी तो दिया जाएगा प्लस 1 ,00, सिक्सटी थाउजेंड प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज कितना टू लाख टेन थाउजेंड रुपीज हो गया बट क्योंकि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन ली हुई है इसलिए दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज सी द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ठीक है एग्जैक्टली परी तो सिक्सटी थाउजेंड प्लस इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एंड प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में भी कितना आएगा थाउजेंड रुपीज का आएगा तो सिक्सटी थाउजेंड वाला तो हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले पोर्शन का इंटरेस्ट ठीक है, उसेंड क्या हो गया? प्री कंस्ट्रक्शन वाली पीरियड का इंटरेस्ट हो गया प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड आपका हो गया इंटरेस्ट दे रहे हो तो सिक्सटीड प्लस वन लाख फिफ्टी थाउजेंड टोटल थाउजेंड रुपीज आ गया अब अगर ये लेट आउट, के लिए ली होती, तब तो ऑप्शन डी हैव बीन दी आंसर लेकिन सेक्युपेशन तो के लिए प्रॉपर्टी है ना मिस्टर विकास टू लोन ऑफ फिफ्टी लाख रुपीज एंड टेन परसेंट पैनमर्ट एप्रेल ट्वेंटी टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस फॉर सेल्फ ऑक्युपेशन तो सेल्फ ऑक्युपेशन के, के से में तो ओल्ड स्कीम में लिमिट क्या है दो लाख रुपए की है।

ठीक है तो जो शकल का बूम बूम स्टार प्लस पे आता था या स्टार उत्सव पे या गोल्ड वोल्ड पे जहां पर भी आप लोगों ने शकल बूम बूम देखा होगा उससे पहले डी डी वन पे आता था शकल बूम बूम ठीक है तो मेरे यहाँ केबल नहीं लगाया था मम्मी पापा ने कहते थे उत्सव पे आता था ना तो मेरे यहाँ केबल ही नहीं लगवा रखा था उन लोगों ने मेरे यहाँ मम्मी पापा केबल लगाते नहीं थे कहते थे ये बच्चे पढ़ते नहीं है बच्चे पढ़ते नहीं है तो इसकी वजह से केबल नहीं लगवाएंगे तो जब तक डी डी वन पर आता था शकल बूम बूम तब तक तो मैं देखता था फिर वो बंद हो गया आना

जो बाद में उन लोगों ने बनाया मेरा नाम है संजू मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल तो ये वाला ये वाला मजेदार नहीं था जो ओरिजिनल वाला था वो मजेदार था ठीक है तो आज की क्वेस्ट यहीं पर हम, लो, हम लोगों की समाप्त होती है एंड uh, इसी के साथ हम लोग एक बार अपने एम को फिर से रिवाइज करेंगे हमारा एम है हाईएस्ट मार्क्स इन ओरिएंटेड स्टडी क्वेश्चन नंबर एट तक मैंने कर लिया था क्वेश्चन नंबर नाइन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर एट तक हम लोगों ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर नाइन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था ठीक है तो क्वेश्चन नंबर नाइन से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आओ देखो मैंने यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज लेक्चर नंबर एट कहीं तो आ रहा होगा लिख के अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर कहीं लिख के आ रहा है यस दिस इज लेक्चर नंबर एट तो यहां मैं कर देता हूं लेक्चर एट फिर मैंने कहा चैप्टर फोर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट फोर है ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पार्ट फोर दिस इज पार्ट फोर राइट चलो अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन आप सब लोग मेरे साथ साथ बनाएंगे देखो क्वेश्चन नंबर नाइन देखो निश्च हैज वन हाउस प्रॉपर्टी आर टेगो टाउन इन प्रयागराज स्टेस विद फैमिली इन दिस हाउस ठीक है अब अगर ये इसके पास एक टेगोटाउन प्रयागराज में एक मकान है और वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उस मकान में, तो क्या मकान सेल्फ है? हाँ ठीक है अब मकान अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो बड़ी सिंपल सी बात हो जाएगी। अगर ओल्ड स्कीम में होगा तब तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन मिल जाएगा और अगर न्यू स्कीम में होगा तो नेट एनुअल वैल्यू क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी मिले द रेंट ऑफ अर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ क्या इस लाइन का कोई भी रेलिवेंट सिग्निफिकेंस है कुछ भी नहीं है ठीक क्युं? है क्यों क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी तो हम फेयर रेंट जानकर करेंगे क्या म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीजी पर मंथ म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड इज एट थाउजेंड रुपीज इसकी कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द इवेंटी एटीन विद लोन ऑफ ट्वेंटी लाख रुपीज टेकन फ्रॉम एस बी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ज कंप्लीटेडर्ट नवेंट थाउजेंड ट्वेंटी अक्यम इंटरेस्ट अपू थर्टियथ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी इज वन लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है तो जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका इंटरेस्ट है वो है वन लाख फिफ्टी थाउजें रुपीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी पेड टू लाख एट थाउजेंड रुपीज विच इंक्लूडेड वन सेवेंटी फोर एज इंटरेस्ट देर वॉज नो प्रिंसिपल रीपेमेंट प्राय दिसंप्यूट निशेंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट इच्चीस छब्बीस अजूमिंग टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम ठीक है अब ड्यूरिंग द प्रीवियस इसने दो लाख आठ हजार रुपए का पेमेंट किया जिसमें से वन लाख सेवेंटी फोर था रुपीज तो इंटरेस्ट थाउजेंड रुपीज हो गया ठीक है हो हो गया गया ये तो और ये जो वन लाख फिफ्टी था टिल्वेंटी इसको डिवाइडेड बाय फाइव करेंगे इसको करेंगे थर्टी थाउजेंड आएगा तो उस थर्टी थाउजेंड रुपीज का भी मिलेगा क्या यस yes, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से इसके रिडक्शन मिलने शुरू हो जाएंगे इकतीस मार्च दो हजार बीस तक का जो भी आपका इंटरेस्ट है उसका आपको रिडक्शन कब से मिलना शुरू हो जाएगा उसका बीस इक्कीस से रिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा ठीक है क्योंकि मकान का मकान का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ थर्ट नवंबर 2020, टू थाउजेंड ट्वेंटी फॉल्स इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मिलेगा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में मिलेगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में मिलेगा ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में मिलेगा और ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में मिलेगा तो हम ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में बैठे हुए थर्टी थाउजेंड रुपीज आता है 30, और थर्टी थाउजेंड यहां तो ये जो थर्टी थाउजेंड रुपीज का इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन रहा है तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला है और मैंने इस साल वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड रुपीज पे किया है तो मैं वन सेवेंटी फोर प्लस थर्टी जब करूंगा तो कितना टू लाख फोर थाउजेंड रुपीज आएगा टू लाख फोर थाउजेंड रुपीज आएगा लेकिन क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए प्रॉपर्टी यूज हुई भी है इसलिए दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज इसलिए दिस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीज ठीक है तो आप लोग यहां पर लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ निश फॉर असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस ठीक है पर्टिकुलर्स रुपए आप यहां पर लिखोगे नेट एनुअल वैल्यू नील लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी अंडर सेक्शन 24 ए 30 परसेंट ऑफ एन व्हिच विच इज नील अंडर सेक्शन 34 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन अब इंटरेस्ट ऑन लोन में आप लिखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट तो यहां पर आप लिखो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाई फाइव ये आएगा आपका थर्टी थाउजेंड ठीक है फिर आप लिखो इंटरेस्ट पेड इन प्रीवियस ईयर चौबीस पच्चीस इंटरेस्ट पेड इन प्रीवियस ईयर चौबिस पच्चीस कितना आया वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड अब ये वन लाख सेवेंटी फोर थाउजेंड रुपीज जो आया तो ये टोटल कितना हो गया ये टोटल आ गया आपका टू लाख फोर थाउजेंड ठीक था। है फिर यहां पर आप लिखोगे रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीस रेस्ट्रिक्टेड टू टू लाख रुपीस तो ये जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी ये आएगी दो लाख रुपए नेगेटिव ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी ये आएगी दो लाख रुपए नेगेटिव ठीक है दिस विल बी योर आंसर दिस बी आंसर टू क्वेश्चन नंबर नाइन आई होप ये वाली बात आप सबको समझ में आ गई है बोलो निश्चय फॉर बोलो निश्चय फॉर ठीक है सर I hope this is absolutely clear to each and every one of you. Yes? चलो बहुत बढ़िया अब हम लोग चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बहुत ही प्यारा सा हमारा सिंपल सा और लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है ठीक है बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा और लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट है एंड आई होप ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर सब लोगों को को समझ में आ ही गया होगा बहुत बढ़िया मैं जरा पानी पी लेता जितने भी लोग 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 पर देख रहे हैं हैं आप प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले पर best you see देखो जी काफी मजेदार चीज अब यहां पर आएगी तो अब लॉजिकली समझना सारी चीजें ठीक है मैंने आपको बताया था कि यार होता क्या है ना होता यह है कि जब आप आ, को जितना भी रेंट मिलता है आपको जितना भी रेंट मिलता है उसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोलते हैं ठीक है थीके? आपको जितना भी रेंट मिला वही तो हो जाती है आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि लोगों ने उसमें छिड़खानी करनी शुरू कर दी थी लोगों ने अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कम कम दिखानी शुरू कर दी थी लोगों ने ये दिखाना शुरू कर दिया था कि अरे मेरे को तो कम रेंट मिल रहा है ठीक है बल्कि लेते वो उतना ही थे बाकी वो कैश से ले लेते थे झूठ वूट ले लेते थे, थे और उससे क्या करते थे उससे वो टैक्स की चोरी कर लेते थे ठीक है जितना भी ये लोग कैश वगैरह में लेते थे उससे ये लोग टैक्स की चोरी कर लेते थे अब टैक्स की चोरी कर लेते थे तो सरकार को मजबूरन एक फॉर्मूला बनाना पड़ा ठीक है सरकार को मजबूरन एक फॉर्मूला बनाना पड़ा लेकिन अब यहां पर पंगा क्या आया यहां पर पंगा ये आया सपोज किसी की म्यूनिसिपल वैल्यू लेट से तीन लाख रुपए है ठीक है लेट से उसका फेयर रेंट है तीन लाख पचास हजार रुपए अब हम यहां पर देखते हैं विच इज़ हायर विच इज़ हायर में क्या आया तीन लाख पचास हजार रुपए आ गया ठीक है फिर हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रेंट सॉरी स्टैंडर्ड रेंट राइट व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट सपोज है आपका थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज स्टैंडर्ड रेंट है सपोज थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज फिर जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आता है वो क्या आता है इन दोनों में से विच इज लोअर ठीक है तो विच इज लोअर में आ गया वो तीन लाख पचास हजार रुपए ठीक अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो भी आपको रेंट मिलता है क्योंकि ये जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट होता है ना दिस इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी लो

जो आप एक्चुअल में कलेक्ट करते हो वो नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही होता है अगर आप सब काम सही कर रहे हो तो ठीक है मुझे एक बात बताओ अगर आपका रेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ का है ठीक है आपने अपना रेंट सेट कर रखा है थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ और वो थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ के बेसिस पर बारह महीने का अगर आप किराया देखते हो तो वो कितना आएगा तीन लाख साठ हजार रुपए आएगा थर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व तीन लाख साठ हजार रुपए मतलब यहां पर आप कर दोगे तीन लाख साठ हजार रुपए और जो आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी वो तीन लाख साठ हजार रुपए आ जाएगी इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है इसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो तीन लाख साठ हजार रुपए बिकॉज एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर तो द ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज नो प्रॉब्लम इन दिस एट ऑल लेकिन मुझे एक बात बताइए आपने अपना रेंट कितना फिक्स कर रखा है अच्छा ध्यान से देखना है यहाँ पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई हुई है तीन लाख साठ हजार आई हुई है क्यों क्योंकि जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है ठीक है साफ पता चल रहा है आपके मन में कोई चोरी नहीं है साफ पता चल रहा है कि आपके मन में कोई भी चोरी नहीं है ठीक है माई पॉइंट इज लिटिल डिफरेंट माई पॉइंट इज वॉट इफ देर इज वैकेंसी इन द हाउस वेकेंसी का मतलब क्या हुआ वेकेंसी का मतलब यह हुआ कि आपने रेंट तो अपना थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ फिक्स करके रखा हुआ है ठीक ठीक है आपने अपना रेंट थर्टी थाउजेंड पर मंथ फिक्स करके रखा हुआ है लेकिन व्हाट इफ आपका मकान तीन महीने के लिए किराए पर था ही नहीं आपका मकान सिर्फ नौ ही महीने के लिए किराए पर था नौ महीने बाद किराएदार छोड़कर भाग गया उसके बाद आप उसके लिए किराएदार ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो ढूंढ रहे हो लेकिन आपको किराएदार मिल नहीं रहा है याद करो कोविड वाला टाइम दो में जितने भी ये रेंटेड प्रेमिस थे सभी खाली पड़े रहे थे क्यों खाली पड़े रहे थे क्योंकि सभी लोग अपने अपने घर भाग गए थे ना जब कोविड हुआ था तो जितने भी लोग हॉस्टल्स में रह रहे थे जितने भी लोग फ्लैट्स में फ्लैट्स बुक करके रेंट पे रह रहे थे वो सारे के सारे अपने घर आ गए थे ठीक है तो यहां पर वेकेंसी तो एक बहुत ही कंसर्न है ना राइट तो मुझे एक बात बताओ सपोज मैंने आपको कोई अपना मकान किराए पर दिया हुआ है राइट उससे मैं, उसके लिए मैं आपको तीस हजार रुपए महीना चार्ज कर रहा हूं अगर आप बारह महीने मेरे मकान में रुकते हो तो आप मुझे तीन लाख साठ हजार रुपए देते हो और वो जो तीन लाख साठ हजार रुपये मेरा एक्चुअल रेंट होता है वो मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा होता है Expected rent से अगर होता है, तो मेरी थ्री अब अगर मान लो ये जो मेरा मकान है ये तीन महीने के लिए खाली पड़ा रहता है बारह में से तीन महीने के लिए खाली पड़ा रहता है मैंने बहुत ढूंढा मुझे किराएदार नहीं मिल पाया नौ ही महीने के लिए मेरा मकान किराए पर था अब अगर मेरा मकान नौ ही महीने के लिए किराए पर था तो मुझे कितना रेंट मिलेगा यानी का रेंट मिलेगा अच्छा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड रेंट है लेकिन मुझे मुझे कितना मिलेगा मुझे रेंट मिलेगा सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज क्या ये बात समझ में आ रही है सबको गवर्नमेंट के फॉर्मूले के हिसाब से मेरी जो ग्रॉस वो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आ जाएगी ठीक है पर क्या आपको नहीं लगता है? ये गलत हो रहा है आपको नहीं लगता कि ये गलत हो रहा है भाई सरकार ने फॉर्मूला क्यों बनाया सरकार ने फॉर्मूला बनाया जिससे लोग चोरी ना करें क्या मेरे मन में कोई चोरी है नहीं मैं तो कह रहा हूं मेरा मकान अगर 12 महीने के लिए किराए पर रहता है भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही वैल्यू है मैं अगर चाहूं तो दस हजार रुपये भी तो अपनी इनकम रोक सकता हूं ना

अगर आपके हिसाब से मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज है तब तो मुझे ज्यादा पैसे पर टैक्स पे करना पड़ेगा कहां का इंसाफ है ये कहां का इंसाफ है इज इज दिस दिस अ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और नॉट राइट वेकेंसी होती रहती हैं मकान के लिए मैं किराएदार ढूंढ रहा हूं मुझे नहीं मिल पा रहा मैं क्या करूं ठीक है और मैं जेनुइन हूं सरकार ने कहा चलो ठीक है काम करते हैं सरकार ने कहा काम करते हैं तो मैं एक्चुअल रेंट कितना मिला मैंने कहा जी दो लाख सत्तर हजार रुपए ठीक है सरकार कहती है काम करो जिस पीरियड में तुम्हारी वेकेंसी थी उस पीरियड में का रेंट जरा टोटल करो कितना आता मैंने कहा तीन महीने का रेंट था तीन महीने के लिए वेकेंसी थी तीन महीने में तीस हजार रुपए के हिसाब से नब्बे हजार रुपए आता कितना आता नब्बे हजार रुपए आ जाता सरकार कहती है टोटल कितना आएगा मैंने कहा जी टोटल तीन लाख साठ हजार रुपए आ रहा है ठीक है तो सरकार के लिए यार बात तो सही है ठीक है सरकार ने कहा यार बात तो सही है तुम्हारे मन में कोई चोरी तो है नहीं आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है मन में चोरी होना ठीक मैंने आपको इनकम टैक्स की पहली क्लास में बता दिया था कि अगर मन साफ है और 11th, 12th के अकाउंट के अकाउंट्स फंडाज एकदम क्लियर है तो टैक्स समझने में कभी कोई दिक्कत आएगी ही नहीं लेकिन अगर मन में चोरी भरी रहेगी तो टैक्स कभी समझ में नहीं आएगा टैक्स के लॉज हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे अभी यहां पर देखो एकदम सिंपल सी बात है भाई मेरे मन में कोई चोरी नहीं है मैं थर्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ का रेंट ले रहा हूं जेन्युन केसेज में वेकेंसी हो गई वेकेंसी की वजह से मुझे रेंट कम मिला राइट right? अगर वेकेंसी नहीं हुई होती अगर वेकेंसी नहीं हुई होती तो मुझे नाइनटी थाउजेंड रुपीज और मिल जाते यानी मेरा जो टोटल रेंट है वो थ्री लाख सिक्सेंड रुपीज का आ जाता और ये थ्री लाखेंड तो आप देख रहे हो ना एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो सरकार कह रही है हाँ यार इसके मन में तो चोरी नहीं है क्या आप कहोगे कि मेरे मन में चोरी है मेरे मन में चोरी बिल्कुल नहीं है तो सरकार कहती है कि अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है अगर एक्चुअल तो मतलब आपके मन में चोरी नहीं है आपके मन में अगर चोरी नहीं है तो सरकार कहती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो आप, आपका जो भी एक्चुअल रेंट आपको मिला है मतलब सरकार कह रही है कि ये दो लाख सत्तर हजार रुपए तुम्हें मिला है ना तुम इसके चक्कर में मत पढ़ो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू शुड बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट तुम इसके चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो क्योंकि हमें पता है तुम्हारे मन में चोरी नहीं है और अगर तुम्हारे मन में चोरी नहीं है तो जितना पैसा तुम्हें मिला है उतने को ही तुम अपनी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो उतने को ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लो फेयर इनफ ठीक है एब्सोल्युटली फेयर राइट लॉजिक समझना सरकार कोई भी कानून बनाती है ना तो उसके पीछे का एक लॉजिक होता है तो सरकार ने अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला बनाया तो उसके पीछे का वही लॉजिक है जो मैंने आप लोगों को बताया कि लोग चोरी कर रहे थे सरकार चाहती है भाई चोरी ना की जाए ठीक है जितना टैक्स बन रहा है उतना टैक्स तुम दे दो एकदम सीधी सी बात है तो अब यहां पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है वो चोरी को एलिमिनेट करने के लिए बनाया था उन लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन uh, लगाने के लिए बनाया था जो टैक्स की चोरी करते हैं मैं साफ दिल का इंसान मेरे मन में कोई चोरी नहीं है मेरी वेकेंसी नहीं होती तो मेरा रेंट आपके एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा ही होता तो सरकार है करें? तो जो दो सत्तर लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो जा रहा है तो सरकार के गया यार तुम क्या चिल्ला रहे हो तो सरकार बोलेंगे ना तुम क्या वेकेंसी वेकेंसी चिल्ला रहे हो अगर वेकेंसी नहीं भी होती अगर वेकेंसी नहीं भी होती तब भी क्या उखाड़ लेते तुम अगर वेकेंसी नहीं भी होती तब भी तुम क्या उखाड़ लेते सपोज सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं अगर मान लो यहां पर थर्टी थाउजेंड रुपीज की जगह ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज होता <coughs> पर मंथ ठीक है मैं अपना रेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज की जगह ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ ले रहा होता तो मुझे एक्चुअल में कितना मिलता फॉर नाइन मंथ लाख एटी थाउजेंड रुपीज मिलता एक्चुअल में मुझे वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज मिलता ठीक है मुझे एक्चुअल में वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज मिलता अब मैं सरकार से कहता कि सरकार जी देखो आपके फॉर्मुला के चक्कर में तो थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आ रहा है पर मेरी तो वैकेंसी हो गई वैकेंसी के चक्कर में तो मुझे वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज मिला है सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं है तो मैं एक्चुअल में मिला कितना वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज मिला अगर वेकेंसी नहीं होती अगर वेकेंसी नहीं होती तो कितना मिलता तुमको अगर वेकेंसी नहीं होती तो तुमको कितना मिलता मैं कहता कि यार तो तीन ती, ती महीने बीस हजार के हिसाब से सरकार कहती हां तो बेटा तो कितना आया? मैं कहता है तुम किस बात का वेकेंसी वेकेंसी चिल्ला रहे हो तुमने तो भाई जब वेकेंसी नहीं भी होती तब भी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज तुम्हारा रेंट आता यानी टोटल टू लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज आता तो एक्सपेक्टेड रेंट से तो वो तब भी कम होता एक्सपेक्टेड रेंट से तो वो तब भी कम होता अगर तुम्हारी नहीं भी होती अगर तुम्हारी नहीं होती तो यहां पर तुम होने की वजह से थोड़ी कम है तुम्हारे तो मन में ही चोरी है तुम तो पहले से ही कम दिखा रहे हो इनकम तुम्हारे मन में थोड़ी तुम्हारे मन में तो पूरी की पूरी चोरी पड़ी हुई है तुम तो पहले से ही इनकम कम दिखा रहे हो

आपका जो भी मंथली रेंट आप ले रहे हो उसमें वेकेंसी वाले पीरियड का रेंट मिलाकर भी वो एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर नहीं पहुंच पा रहा है है वो एक्सपेक्टेड रेंट से काम है। मतलब आपके मन में चोरी है शुरुआत से थी तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू वही एक्सपेक्टेड रेंट रहेगी ठीक है लॉजिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं एक बार समराइज कर देता हूं अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर है या उससे ज्यादा है इसका मतलब आपके मन में चोरी नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी एक्चुअल रेंट ठीक है अब कई सारे लोग इसको फॉर्मुला समझ के रटना चाहे तो रट सकते हैं आप लोग इन तक रहोगे लॉजिक मैं आप लोगों को बता चुका हूं अबंडेंटली बार 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 रिपीट करके ठीक है लेकिन अगर किसी का एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी <coughs> उसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट ही रहेगी ठीक है अब आओ यहां पर क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन एक्सपेक्टेड रेंट थ्री लाख रुपीज रेंट पर मंथ थर्टी थाउजेंड रुपीज वेकेंसी थ्री मंथस फाइंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन वेकेंसी थ्री मंथ्स ठीक है तो व्हाट इज द एक्चुअल रेंट एक्चुअल रेंट इज नाइन मंथ्स का ना तो थर्टी थाउजेंड रुपीज इंटू नाइन टू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज इज द वेकेंसी रेंट वट इज द वेकेंसी तीन महीने की वैकेंसी थी थर्टी थाउजेंड इंटू थ्री नाइनटी थाउजेंड कितना है थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज थ्री लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज वट इज द एक्सपेक्टेड रेंट थ्री लाख रुपीज एक्सपेक्टेड रेंट इज थ्री लाख रुपीज तो अब यहां पर क्या हो जाएगा

<coughs> क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है यस yes? राइट right? आओ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन देखो एक्सपेक्टेड रेंट थर्टी थाउजेंड रुपीज है रेंट पर मंथ है बीस हजार रुपए वेकेंसी एक महीने की है ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोगों को निकालनी है तो एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा एक्चुअल रेंट है आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटू इलेवन क्योंकि एक महीने की वेकेंसी है ना एक महीने की वेकेंसी है तो ग्यारह महीनों का तो रेंटेड है तो ये आ जाएगा आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटू इलेवन दिस रुपीज टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज वेकेंसी रेंट वेकेंसी रेंट वेकेंसी रेंट इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटू वन ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये कितना आएगा टू लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज एंड वॉट इज देंट एक्सपेक्टेड रेंट इज थ्री लाख रुपीज एक्सपेक्टेड रेंट इज थ्री लाख रुपीज ठीक है अब आप बोलते रहो कि नहीं नहीं वेकेंसी की वजह से मुझे मेरे तो दो बीस है वेकेंसी की वजह से दो बीस है तो सरकार क्या बोलेगी कि भाई वेकेंसी नहीं भी होती तो जितना रेंट तू बता रहे उसके हिसाब से तो दो चालीस ही आता अगर वेकेंसी नहीं भी होती तो उसके हिसाब से भी तो दो चालीस ही आता मतलब तू पहले से ही झूठ बोल रही है आप मुझे लॉजिकली एक बात बताओ मार्केट में अगर एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख रुपए है तो क्या आप तीन लाख रुपए से कम पे अपना मकान किराए पर दोगे लॉजिकली प्रैक्टिकली बताना एकदम बिल्कुल नहीं दोगे ना आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो अपने मकान के लिए दो चालीस ही दे रहा हूं तो मतलब वो झूठ है यही मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूं कि जो ये एक्सपेक्टेड रेंट सरकार के हिसाब से आता है ये एक्चुअली बहुत कम होता है जो वाकई में आपको मिल रहा होता है उससे बहुत कम होता है तो कोई इंसान अगर इससे भी कम क्लेम कर रहा है मतलब वो झूठ बोल रहा है राइट अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जैसे ऊपर वाले केस में वो कह रहा था कि भाई रेंट मेरा तीस हजार रुपए महीना है ठीक है आप कह रहे हो एक्सपेक्टेड रेंट तीन लाख रुपए का है मैं कह रहा हूं कि मैं वेकेंसी अगर नहीं होती तो तीन साठ कमाता तीन साठ पे आपको टैक्स देता अभी वेकेंसी की वजह से मुझे दो सत्तर ही मिल पाया है तो आप मुझे जबरदस्ती पेनलाइज थोड़ी करोगे कि आपका फॉर्मुला है तो इस वजह से मुझे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा सरकार ने कहा बिल्कुल सही बात है हमने ये चोरों के लिए फॉर्मूला बनाया नॉन चोरों के लिए नहीं बनाया तो जो चोर नहीं है उनके लिए ठीक है जितना आपको मिला उस टैक्स दे दो इस वाले केस में क्या हुआ इस वाले केस में एक्सपेक्टेड रेंट कितनी है लाख रुपए आइडियली आपको जो पैसा मिल रहा है वो या तो तीन लाख होना चाहिए तो तीन लाख के बराबर होना चाहिए जो आपको सरकार को बताना चाहिए ठीक है आप कह रहे हो कि बीस हजार रुपए है बीस हजार रुपए तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि भाई एक्सपेक्टेड रेंट ही तीन लाख रुपए अब आप तीन लाख रुपए से कम पे थोड़ी अपना मकान बेच अपने मकान को किराए पर दोगे ठीक है फिर आप बोलो कि नहीं नहीं वेकेंसी की वजह से कम हो रहा है तो सरकार ने कहा अगर तुम तुम क्या क्लेम कर रहे हो तुम कह रहे हो कि बीस हजार रुपए अगर तुम वेकेंसी वाले पीरियड में भी ले लेते तो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो जाता क्या नहीं होता ना तभी तो दो लाख चालीस ही हजार रुपए आता तो भाई तुम झूठ बोल रहे हो सीधी सी बात है तुम झूठ बोल रहे हो तो सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज लेस दैन एक्सपेक्टेड रेंट तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी एंड दिस इज तीन लाख रुपए ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी तीन लाख रुपए क्या ये बात सबको समझ में आ रही है ये बात सबको समझ में आ रही है जल्दी बताओ मुझे नो 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 ठीक है जीनत हाँ तो ये तो ये जो आप लोगों ने नो 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 बोला उस बात के लिए बोला ना कि आप उससे कम थोड़ी सेटल करोगे परफेक्ट है ना आदित्य करिश्मा बीना अल्फिया प्रेरणा यस विनय मुस्कान साक्षी अक्षय वेरी गुड ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक्सपेक्टेड रेंट इज थ्री लाख रुपीस रेंट पर मंथ इज पच्चीस हजार वेकेंसी चार महीने की चार महीने की वेकेंसी मतलब आठ महीने का वो आठ महीने का एक्चुअल uh, रेंट तो एक्चुअल रेंट कितना हुआ एक्चुअल रेंट हुआ पच्चीस हजार रुपए इंटू चार सॉरी पच्चीस हजार रुपए इंटू तो कितना आता है पच्चीस हजार इंटू लाख तो ये दो लाख आ जाएगा वेकेंसी रेंट आपका आएगा पच्चीस हजार रुपए इंटू चार यानी एक लाख तीन लाख एंड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट इज थ्री लाख रुपए तो एकदम बराबर आ गया सिंपल है क्या आपके मन में कोई चोरी है नहीं आप कह रहे हो कि सर मेरे को तो दो ही लाख रुपए मिला तो सरकार ने आपसे पूछा अच्छा वेकेंसी की वजह से आपने कहा हाँ तो सरकार ने कहा वेकेंसी नहीं होती तो तुम कितना रेंट और कमा लेते आपने कहा मैं एक लाख रुपए और कमा लेता तो मेरा टोटल तीन लाख रुपए आ जाता है जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है तो मेरे मन में तो कोई चोरी है ही नहीं ना मैं तो कह रहा हूं अगर वेकेंसी नहीं होती तो मैं उतना ही कमाता जितना आपका एक्सपेक्टेड रेंट है मैं उसी पे आपको टैक्स देता तो सरकार कहती है अग्रीड तो जितना पैसा तुम्हें मिला वही तुम्हारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान ली जाएगी तो सिंस एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट

अब इसमें चीजें क्या होंगी कि आपको जो भी प्रॉपर्टी की, होगी, वो तो पूरे की होगी। से का कोई मतलब ठीक है तो जब आप लेट आउट की तो आप क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो म्यूनिसिपल वैल्यू दी हुई होगी वो तो पूरे मकान की होगी ना? तो आपको वन थर्ड ही लेनी होगी इसके लिए सिमिलरली जो फेयर रेंट होगा वो पूरे मकान का दिया होगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए वन थर्ड लोगे राइट right? सिमिलरली जो स्टैंडर्ड रेंट है वो पूरे मकान का दिया होगा तो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए आप लोगे लेकिन जो एक्चुअल रेंट है वो उतना ही लोगे उसको डिवाइड नहीं करोगे करोगे क्यों नहीं डिवाइड आप खुद सोचो प्रैक्टिकली सोचो आपके मकान में तीन कमरे हैं आपने एक कमरा किराए पर दिया हुआ है क्या आप उस एक बंदे से जो एक कमरा जो एक कमरा आपने किराए पर दिया हुआ है क्या आप उससे पूरे मकान का किराया वसूलोगे अगर वसूलोगे भी तो क्या कोई वो बंदा देगा वो तो बाकी देखेगा ना यार कि इस मकान में मुझे एक कमरे, एक कमरे कमरे कमरा पांच में मिल जा रहा है लेट्स से पांच कमरे का रेट है ठीक है तो वो बंदा क्या देखेगा कि मैं एक कमरा ले रहा हूं उस एक कमरे वो, उस एक कमरे का अगर मैं सिमिलर प्रॉपर्टीज में देखता हूं इधर उधर तो मुझे पांच हजार रुपए देना पड़ता है आपके यहां आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो पंद्रह हजार रुपये लूंगा पंद्रह हजार रुपये कोई क्यों देगा एक कमरे के एक कमरे के पंद्रह हजार रुपये को थोड़ी देगा जब वो सिमिलर प्रॉपर्टीज में उसको पांच पांच हजार रुपए का मिल रहा है तो जो एक्चुअल रेंट है उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है टू थर्ड है क्या जितना पैसा आपको मिल रहा है जो पैसा आपको मिल रहा है वो उसी कमरे के लिए तो मिलेगा जिस कमरे को आपने किराए पर दिया हुआ है ठीक है ओके okay. सिंपल आओ देखो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे दो क्वेश्चन करेंगे अब मतलब बैक टू बैक बैकअप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने अब थोड़े से प्रॉपर लेवल के क्वेश्चन करने करने जा रहे हैं हम लोग अभी तक तो हम लोग सिर्फ वही किए जा रहे थे मतलब यू नो कॉन्सेप्ट को समझे ही समझे जा रहे थे अब हम लोग फाइनली उस लेवल पर आए हैं जब हम प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के जहां पर सारी चीजें आप लोगों को और क्लैरिटी के साथ समझ में धीरे धीरे आती रहेंगी ठीक है लेकिन कंडीशन वही है यार आपको रेगुलर रिवाइज करते रहना पड़ेगा ठीक देखो ट्रेम ओन्स हाउस इन मद्रास during the previous year 24 25 two third portion of the house was self occupied and one third portion was let out for residential purposes at a rent of 8000 rupees per month municipal value of the property is 3 lakh rupees per annum fair rent is 270000 rupees per annum and standard rent is 330000 rupees per annum

ट वुड बी प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेशन बाद में न्यू स्कीम के बारे में भी बात कर ली जा रही है लेकिन पहले अब हम लोग इसको आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन लिखेंगे यहां पर सब मेरे साथ कैलक्युलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ प्रेम for assessment year 25 26 under the optional tax regime under the optional tax regime tick out particulars सेल्फ ऑक्युपाइड लेट आउट प्रॉपर्टी तो यहां पर मैं लिखूंगा एस टू बाई थ्री एल ओ पी वन बाई थ्री देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू अब हाउस की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है थ्री लाख ,00 रुपीस पर एनम ठीक है पूरे हाउस प्रॉपर्टी की जो म्यूनिसिपल वैल्यू है वो है तीन लाख रुपए पर एनम लेकिन क्योंकि सिर्फ लेटआउट पोर्शन वन थर्ड ही है तो इसलिए हम लोग सिर्फ वन थर्ड ही लेंगे तीन लाख रुपए डिवाइडेड बाई थ्री तो ये आ जाएगा एक लाख रुपए यहां पर एक लाख रुपए लिया जाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में निल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के केस में तो नेट एनुअल वैल्यू तक सब वैसे भी नील होने वाला है ठीक है नाउ म्यूनिस्पल वैल्यू हो गया फेयर रेंट व्हाट इज अ फेयर रेंट टू सेवेंटी ठीक है तो टू सेवेंटी डिवाइडेड बाई थ्री ये आ गया नाइनटी थाउजेंड ठीक है ये आ गया नाइन्टी थाउजेंड अब यहां पर मैं करूंगा हायर ऑफ वन एंड टू हायर ऑफ वन एंड टू में आ गया एक लाख रुपए ठीक है हायर ऑफ वन एंड टू में आ गया एक लाख रुपए उसके बाद अब यहां पर आएंगे स्टैंडर्ड रेन स्टैंडर्ड रेंट है थ्री लाख थर्टी थाउजेंड रुपीज पर आनम लेकिन वो भी पूरे मकान का है तो हम लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए थ्री थर्टी डिवाइडेड बाई थ्री करेंगे एक लाख दस हजार रुपए ठीक और इनमें से अब हम लोग लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड फोर ठीक है तो लोअर क्या आ जाएगा लोअर आ जाएगा आपका एक लाख रुपए लोअर आ गया एक लाख रुपए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ओके okay. अब एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इसने बोला एट थाउजेंड रुपीज पर मंथ

एट थाउजेंड इंटू ट्वेल्व कितना आएगा 96,000 सिक्स थाउजेंड रुपीज का आ जाएगा ये आ गया 96,000। सिक्स थाउजेंड यह आ गया नाइन्टी सिक्स थाउजेंड अब उसके बाद आपका आएगा यहां पर ग्रॉस एन्यूअल वैल्यू एंड दिस विल बी हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ग्रॉस एनअल वैल्यू हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स ये आ गया एक लाख रुपए फिर मैं इसमें से करूंगा लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए टेन परसेंट ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर ठीक है अब सुनना मेरी बात ध्यान से टेन परसेंट ऑफ वॉट अब दो चीजें मैं कर सकता हूं ध्यान से सुनना इसमें इस, इस चीज को लेकर कई सारे लोगों को बाद में कंफ्यूजन आता है।, आने का कोई सेंस है नहीं क्या सेल्फ केस के के से में म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड का कोई डिडक्शन मिलता, मिलता, मिलता है नहीं सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के, के में सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलते हैं सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक तो अब आप क्या कर सकते हो या तो आप ऐसे कर लो टेन परसेंट ऑफ थ्री लाख रुपीज म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है म्यूनिसिपल वैल्यू थ्री लाख रुपीज है ना तो आप टेन परसेंट ऑफ थ्री लाख रुपीज कर लो यानी थर्टी थाउजेंड आ गया अब थर्टी थाउजेंड का वन थर्ड कर लो क्योंकि जब आपने पूरी के पूरे पूरी प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल वैल्यू का दस निकाला थर्टी तो आपने पूरे मकान के लिए तीस का पेमेंट किया ना अब उस तीस हजार रुपए का आपको डिडक्शन कितने पोर्शन का मिलेगा जितना लेटआउट पोर्शन है उतने का ही आपको मिलेगा लेटआउट पोर्शन है या तो आप ऐसे कर लो या तो ये जो एक लाख रुपए की म्यूनिपल वैल्यू है फॉर द पोर्शन आप इसका दस परसेंट निकाल लो बात तो वही आएगी अगर आप पूरी प्रॉपर्टी का तीन लाख रुपए की म्यूनिसपल वैल्यू है इसका आप निकालते हो तो कितना आता है थर्टी थाउजेंड रुपीज आएगा लेकिन डिडक्शन कितने का मिलेगा डिवाइडेड बाई थ्री करके टेन थाउजेंड रुपीज का ही आपको डिडक्शन मिलेगा

एक लाख रुपए तो ये आ गया दस हजार ये आ गया दस हजार अब यहां पर आपकी आई नेट एनुअल वैल्यू नेट एनुअल वैल्यू ये आ गई नाइन्टी थाउजेंड और ये है आ गई नील ठीक है नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ गई सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन में नील और इधर आ गई आउट पोर्शन में नाइन्टी थाउजेंड ठीक है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में निल और लेट आउट पोर्शन में नाइन्टी थाउजेंड अब आप यहां से करोगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए थर्टी परसेंट ऑफ एन एवी तो थर्टी परसेंट ऑफ एन ए बी कितना आएगा आपका लेट आउट पोर्शन में आएगा नाइनटी थाउजेंड का थर्टी परसेंट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड ठीक है उसके बाद यहां पर आएगा अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है इंटरेस्ट ऑन लोन देखो थर्टी परसेंट ऑफ एन एव सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में तो आएगा नहीं इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अब आओ लोन पर बात करते हैं लोन ऑफ ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज वॉज टेकन बाय हिम ज्यूरिंग द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी

और यहां पर कितना आ रहा है एटी थाउजेंड आ रहा है का रिडक्शन मिल मिल जाएगा? मिल जाएगा। बिल्कुल तो यहां पर आएगा आपका 80,000 80 थाउजेंड रुपीज ठीक है और जो इसका वन थर्ड है वो कितना हो जाएगा बचा हुआ कितना है आपका इंटरेस्ट वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड है ना तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस एटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन आपको मिल जाएगा फ्रॉम द लेट आउट पोर्सन फोर्टी थाउजेंड रुपीज का रिडक्शन मिल जाएगा आपको फ्रॉम द लेट आउट ठीक है अब हम यहां पर इसको ऐसे जोड़ देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास ये आई यहां पर एट्टी थाउजेंड रुपीज का लॉस आया और यहां पर कितना आया यहां पर क्या आया मतलब यहां आया आपके पास नाइन्टी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड सेवन थाउजेंड माइनस फोर्टी थाउजेंड यहां ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज की इनकम आई ठीक है यहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड की इनकम आई इसका रुपीजिकेशन क्या हुआ इसका इंप्लीकेशन हुआ कि नेट में आपको इस मकान से लॉस आया तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी कितनी हो गई नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपकी हो गई ट्वेंटी थ्री थाउजेंड माइनस एट्टी थाउजेंड उज माइनस एटी थाउजिए एटी थाउजेंड का लॉस और ट्वेंटी तो आपको फायदा बताया था इसका फायदा क्या हो जाएगा कि आपकी ओवरऑल इनकम में से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज माइनस हो जाएगा तो आपका ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है या तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले साल में जब भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी उसके अगेंस्ट में आप इस फिफ्टी सेवन थाउजेंड रुपीज का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो

तो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी रहेगी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज की ही रहेगी ठीक है क्योंकि जब यहां पर एटी था रुपीज का रिडक्शन नहीं मिलेगा तो यहां पर एटी थाउजेंड रुपीस का लॉस नहीं आएगा अगर ये डिडक्शन ये लॉस नहीं होता है तो हमारे पास बचा गया हमारे पास ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज की इनकम बच गई ठीक है तो यहां पर लिखो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजीम under the default tax regime, frame would not be entitled to interest deduction. frame would not be entitled to interest deduction of 80,000 rupees under section 24b. इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन ब्रैकेट में टू बाई थ्री ठीक हेंस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी

यस yes. क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है बहुत बढ़िया शिवराज आशीष अर्शदीप जीनत सिंपल है सिंपल ना चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लुक एट दिस

उनमें से एक यूनिट लेट आउट है एक यूनिट सेल्फ ऑक्युपाइड है मतलब फिफ्टी परसेंट ऑफ द पोर्टन फिफ्टी परसेंट ऑफ द हाउसेंट ऑफ द हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड यस द रेंटेड यूनिट वॉज वेकेंट फॉर टू मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर अब जो रेंटेड यूनिट है वो तो दो महीने के लिए वेकेंट भी पड़ी हुई थी कोई बात नहीं द ऑफ ऑफ द द हाउस पर्टिकुल प्रीवियसोर ट्वेंटी आर एज अंडर तो चौबीस पच्चीस में जो भी था वो यहां पर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेंट म्यूनिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट म्यूनिसपल टैक्सेस पेड बाय एक्स लाइट एंड वाटर चार्जेस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल लीज मनी इंश्योरेंस चार्जेस रिपेस कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट इफ ही द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट दिफॉल एक्सपेशन प्रवाइडेंशन एक सो पंद्रह बी एसी वन ए बहुत अच्छी बात है आओ करते हैं इसको आओ इसको करते हैं तो अब यहां पर आपका वैकेंसी वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो यहां पर सब लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन लिखो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ये क्या हो जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस ठीक है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर पच्चीस छब्बीस पर्टिकुलर्स सेल्फ ऑक्युपाइड पोर्शन पचास परसेंट लेट आउट पोर्शन पचास परसेंट ठीक है अब देखो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू नाउ द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज वन लाख नाइन्टी थाउजेंड रुपीज पर आनम ठीक है म्यूनिसिपल वैल्यू इज वन लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड रुपीज पर आनम तो वन लाख सॉरी वन नाइन्टी डिवाइडेड बाई टू कितना आता है नाइनटी फाइव नाइन्टी फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए नील उसके बाद हम लिखेंगे फेयर रेंट फेयर रेंट कितना है फेयर रेंट आपको दिया हुआ है 185 रुपीस पर 185, रुपीस पर तो वन एटी फाइव डिवाइडेड फाइव हंड्रेडी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ये आ गया आपका नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिर आप यहां पर लिखोगे हायर ऑफ वन एंड टू तो हायर ऑफ वन एंड टू में क्या आ जाएगा नाइनटी फाइव थाउजेंड आ जाएगा ठीक फिर आप यहां पर लिखोगे स्टैंडर्ड रेंट स्टैंडर्ड रेंट व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेंट वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज पर आनम, ये रहा स्टैंडर्ड रेंट तो वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज डिवाइडेड बाय वन लाख सिक्सटी टू थाउजेंड रुपीज डिवाइडेड बाई टू ये आ गया एटी वन थाउजेंड तो स्टैंडर्ड रेंट इज एटी वन थाउजेंड ठीक है स्टैंडर्ड रेंट आ गया एटी वन थाउजेंड अब आपके पास आएगा एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड फोर लोअर ऑफ थ्री एंड फोर यह आएगा एटी वन थाउजेंड ठीक और यहां पर आएगा अब एक्चुअल रेंट ठीक है अब एक्चुअल रेंट यहां पर हम लोगों को देखना होगा कि मकान किराए पर कितने टाइम के लिए दिया हुआ है मकान किराए के लिए दिया हुआ है ए 8 पर पर मंथ लेकिन द रेंटेड यूनिट वॉज वीकेंड फॉर टू मंथ्स अगर रेंटेड यूनिट महीने के लिए वीकेंड थी मतलब दस महीने के लिए ही लेट आउट थी तो यहां पर जो एक्चुअल रेंट आएगा वो कितना आएगा वो आएगा एट थाउजेंड इंटू टेन एट थाउजेंड रुपीज इंटू टेन तो ये आएगा आपका एट्टी थाउजेंड एटी थाउजेंड ठीक है लेकिन अब जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है वो समझना आप जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू है क्या मैं उसको कह सकता हूँ कि दैट विल बी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट नहीं अभी मैं नहीं कह सकता क्योंकि अब यहां पर वेकेंसी आ गई है क्योंकि अब यहां पर अगर वेकेंसी आ गई है, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट के बराबर या उससे ज्यादा तो नहीं है अगर ज्यादा है तो जितना एक्चुअल रेंट मिला वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी लेकिन अगर एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही मेरी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी तो इसके लिए मुझे बनाना होगा वर्किंग नोट इसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट वन ठीक है वर्किंग नोट वन बनाऊंगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए फिर मैं यहां पर लिखूंगा लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड तो म्यूनिसपल टैक्सेस इन्होंने कितने पे किए 15% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू तो मैं तो सिर्फ लेट आउट पोर्स का ही लूंगा 15% परसेंट ऑफ दिफ्टी 15% ऑफ द म्यूनिसपल वैल्यू तो लेटआउट पोर्शन की म्यूनिसपल वैल्यू कितनी है 95000 तो इसमें मैं ऐसे कर हूं. 15 95, कितना ठीक है या यार फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड 14250 अच्छा मुझे एक बात बताओ लॉजिकली एक बात बताना जो एक्चुअल रेंट मुझे मिला है कितने महीनों का मिला है दस महीनों का मिला है आठ हजार रुपए के हिसाब से अस्सी हज़ार रुपए दो महीने का और जोड़ दो तो कितना सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज आएगा तो एटी थाउजेंड जो एक्चुअल रेंट है प्लस द वेकेंसी रेंट ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज कितना आएगा टोटल नाइंटी सिक्स थाउजेंड रुपीज आएगा ना नाइन्टी सिक्स रुपीज क्लियरली एक्सपेक्टेड रेंट से तो ज्यादा है और अगर नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो क्या हमारे मन में कोई चोरी है हमारे मन में बिल्कुल कोई चोरी नहीं है अगर हमारे मन में कोई चोरी नहीं है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी वॉट जितना एक्चुअल में रेंट मिला है तो वर्किंग नोट भले ही बाद में बना लेंगे लेकिन अभी क्वेश्चन के क्वेश्चन को करते हुए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपकी एट्टी थाउजेंड रुपीज होगी ये तो समझ में आ रहा होगा सबको ठीक है कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको एटी थाउजेंड रुपीज तो हम लोगों को एक्चुअल में मिला है ठीक है एक्चुअल रेंट रिस एटी थाउजेंड रुपीज वेकेंसी रेंट कितना है वेकेंसी रेंट दो महीने का है यानी सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज अगर वेकेंसी होती तो मैं तो कहता कि मुझे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज की इनकम मिली है और अगर मुझे नाइन्टी सिक्स थाउजेंड रुपीज की इनकम मिली है तो वो तो इससे डेफिनेटली ज्यादा है ना वो तो वेकेंसी के चक्कर में मेरी इनकम इससे कम आ रही है ठीक है वेकेंसी के चक्कर में मेरी इनकम इससे कम आ रही है तो वेकेंसी के चक्कर में अगर कम आ रही है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी वॉट जितना जितना मुझे मिला है

ठीक है अब हम यहां पर करेंगे लेस डिडक्शन्स अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर तो सबसे पहले अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर ए थर्टी परसेंट ऑफ एनएवी एवी सिक्सटी फाइव सेवन फिफ्टी का थर्टी परसेंट नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और उसके बाद अंडर सेक्शन ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं देखता हूं इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ ठीक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व साल भर का आया अठारह हजार रुपए लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्सन के लिए नौ और लेट आउट पोर्शन के लिए 9000 हजार फिफ्टी का है यहां तो पर तो नाइन थाउजेंड रुपीज फॉर सेल्फ पोर्शन एंड नाइन थाउजेंड रुपीज फॉर लेट आउट पोर्शन और तब जाकर आएगी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आ गई ये आ गया नाइन थाउजेंड नेगेटिव एंड नाउ दिस इज सिक्सटी फाइव सेवन फिफ्टी माइनस 19725 माइनस नाइन दिस इज थर्टी सेवन थाउजेंड जीरो और जो मेरी नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी वो कितनी आएगी देखते थर्टी सेवन जीरो ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन थाउजेंड तो जो नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई है थर्टी सेवन जीरो टू फाइव माइनस नाइन थाउजेंड या आएगा ट्वेंटी एट जीरो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट थाउजेंड जीरो ट्वेंटी फाइव ठीक है अब मैं यहां पर बनाता हूं वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू और यहां पर आप लिखोगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज इक्वल टू एटी थाउजेंड रुपीज ठीक है वेकेंसी रेंट कितना है एट थाउजेंड रुपीज इंटू टू 8000 into two sixteen thousand Actual rent plus vacancy rent is equal to 80,000 plus 16,000 is equal to 96,000. Since actual rent plus vacancy rent is greater than expected rent, therefore, gross annual value.

ठीक है हम लोगों ने दो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अभी कॉन्फिडेंस भी आप लोगों का अच्छा खासा आ गया होगा यस जीनत साक्षी आशीष विनय मुस्कान वेरी नाइस ठीक है करिश्मा बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत ही उम्दा आगे चलते हैं हम बात करते हैं पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज के बारे में इसका मतलब क्या होता है पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी टाइम वाइज का मतलब होता है कि आप कुछ टाइम के लिए आपने प्रॉपर्टी लेट आउट की और कुछ टाइम के लिए आप अपने आप अपने पास से रह रहे हो ठीक है नाउ आई एल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन एरिया वाइज एंड टाइम वाइज एरिया वाइज में क्या था बारह महीने का एक साल है अब बारह महीने के साल में आपने पूरे के पूरे बारह महीने दो कमरे में आप स्वयं रहे एक कमरा आपने किराए पर दिया पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में क्या होता है पार्टली लेट आउट टाइम वाइज में ऐसा होता है कि आप बारह महीने के साल में आप सपोज नौ महीने खुद रहे और तीन महीने आपने किराए पर दिया या नौ महीने आपने किराए पर दिया तीन महीने आप खुद रहे साल भर में कुछ महीनों के लिए आपने पूरा मकान किराए पर दिया और बचे हुए महीनों में पूरा मकान आपने आप आ, पूरे मकान में आप खुद रहे ठीक है तो ऐसे में सरकार कहती है कि हम इसको पूरे साल के लिए लेट आउट ही मानेंगे सिंपल ठीक है ऐसे में सरकार कहती है हम पूरे साल के लिए इसको लेट आउट मानेंगे राइट और पूरे साल में अगर पूरे साल के लिए अगर इसको लेट आउट मानेंगे तो फिर लेट आउट की तरह से आपका ट्रीटमेंट होगा राइट right? तो सरकार कहती है अगर एक दिन के लिए भी आपने मकान को लेट आउट किया तो अब यह सब करने की जरूरत नहीं है कि इतना ये वो ये वो ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है पूरे टाइम के लिए लेट आउट माना जाएगा इसको यह नहीं माना जाएगा कि इतने महीनों के लिए सेल्फ ऑक्युपाइड इतने महीने के लिए लेट आउट पूरे टाइम के लिए इसको लेट आउट माना जाएगा और उसके हिसाब से आपके कैलकुलेशन होंगे ठीक है आओ देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन श्रीमती राजा लक्ष्मी

प्रॉपर्टी यहां वेकेंट नहीं थी खाली नहीं पड़ी हुई थी राजा लक्ष्मी जी किराएदार ढूंढ नहीं रही थी राजा लक्ष्मी जी स्वयं उस मकान में रहने लग गई ठीक है तो खुद रही महीने महीने किराए पर दिया तीन महीने तीन महीने खुद रही तो यहां पर वेकेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहां दिस इज प्लेन एंड सिंपल लेटआउट ही मान के इसको सॉल्व किया जाएगा ठीक है प्लेन एंड सिंपल इसको लेट आउट मानकर सॉल्व किया जाएगा तो आप देखो देर आफ्टर द टेन एंड वीकेट द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजा राजी यूज फॉर सेल्फ ऑक्युपेशन रेंट फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड डिसंबर ट्वेंटी फोर कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स अब देखो यहां पर अनरियलाइज रेंट वाली भी चीज आ गई ठीक है दिस इज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यहां पर अनरियलाइज्ड रेंट वाली भी बात आ गई कि भाई दिसंबर 2024 तक मैंने किराए किराए पे मकान को दिया था लेकिन नवंबर और दिसंबर महीने का जो किराया है मुझे मिला ही नहीं है और वो अनरियलाइज हो गया है इन स्पाइट ऑफ ओनर्स बेस्ट एफर्ट्स स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट्स का मतलब ऑल द कंडीशन ऑफ रूल फोर आर सेटिस्फाइड

All the conditions prescribed under Rule 4 are satisfied. She paid municipal taxes at 12% during the year. She paid interest of 25,000 rupees during the year for amount borrowed for repairs of the house property. Compute her income from house property for assessment year 25-26. फिर से मैं बता रहा हूँ. 9 महीने मकान किराए पर था, 3 महीने खुद रही. खुद रहने वाली को ignore करना है और जो और पूरे के पूरे साल के लिए मान के चलना है कि ये मकान किराए पे था. ठीक है तो यहां पर ऐसा नहीं करना नाइन बाई ट्वेल्व थ्री बाई ट्वेल्व ऐसा नहीं करना है यहां पूरे के पूरे साल के लिए मान के चल रहे हैं तो द हाउस प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट पच्चीस छब्बीस <coughs> particulars repair म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई पांच लाख रुपए फेयर रेंट कितना हो गया फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज हायर ऑफ वन एंड फाइव लैक्स फिर यहाँ स्टैंडर्ड रेंट फोर एट्टी फिर एक्सपेक्टेड रेंट लोअर ऑफ थ्री एंड फोर उसके बाद एक्सपेक्टेड एंटी हो गया उसके बाद हम करेंगे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल और इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट वन और फिर आएगी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हायर ऑफ फाइव एंड सिक्स फिर इसमें से करेंगे लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड आर द म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बारह परसेंट तो बारह परसेंट ऑफ पांच लाख बारह परसेंट ऑफ पांच लाख या सिक्सटी थाउजेंड आएगी आपकी नेट एन्युअल वैल्यू फिर इसमें से आप करोगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 अंडर सेक्शन 24 ए 30 परसेंट एवेन्यू वी अंडर सेक्शन 24 बी इंटरेस्ट ऑन लोन और ये आएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक इंटरेस्ट और लोन कुछ है शीपेड इंटरेस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ज्यूरिंग द इयर फॉर अमाउंट बॉर्डर फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का यह हो जाएगा एंड दिस विल बी दी आंसर अब मैं यहां पर बनाऊंगा एक्चुअल रेंट का वर्किंग नोट वन calculation of actual rent received receivable particulars rupees ट रिसीव फिफ्टी थाउजेंड रुपीज पर मंथ और कितने महीने के लिए सात महीनों के लिए ठीक है नवंबर डिसंबर का तो मिला ही नहीं है तो सेवन फाइव जो थर्टी फाइव थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज हम हाँ लोग करेंगे रेंट रिसीवेबल इंटू टू एक लाख या है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है यह है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीस उसके बाद आप करोगे लेस अनरियलाइज्ड रेंट लेस अनियलाइज रेंट एक लाख रुपए क्योंकि दो महीने का रेंट मिला ही नहीं तो एक्चुअल रेंट कितना आया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज एक्चुअल रेंट आ गया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ठीक है एक्चुअल रेंट आया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो यहां पर एक्चुअल रेंट आया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज तो ग्रॉस एनअल वैल्यू आएगी फोर लाख एटी थाउजेंड रुपीज या देगी फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इसका थर्टी परसेंट वन ट्वेंटी सिक्स और ये पच्चीस हजार रुपए तो ये टोटल कितना आया वन फिफ्टी वन तो फोर लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज में से इसको माइनस करेंगे टू लाख सिक्सटी नाइन थाउजेंड रुपीज दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है टू लाख सिक्सटी थाउजेंड रुपीज दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हुआ 269 this is your income from house property i hope this is clear to each and every one of you yes 269 very nice you are done when i beena karishma puja Zinat. very good oh next question let's look at question number 16 <clears throat> Ganesh has a property whose municipal valuation is 250000 rupees per annum fair rent is 2 rupees per annum and the standard rent fixed by the rent control act is 210000 rupees per annum the property was let out for the rent of 20000 rupees per month however tenant vacated the property on 31st january 25 unrealized rent was 20000 rupees and all the conditions prescribed by rule 4 are satisfied he paid municipal taxes at 8% of the municipal valuation interest on in borrowed capital was 65000 rupees during the year कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर गणेश फॉर असेसमेंट ईयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ठीक अब यहां पर वेकेंसी है देखो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट इयर पच्चीस छब्बीस Particulars Ruppe Subsepele cheese Municipal value. What is municipal value? Municipal value is two lakh fifty thousand rupees. फिर फेयर रेंट वट इज फेयर रेंट टू लाख रुपीज हायर ऑफ वन एंड टू हायर ऑफ वन एंड टू आ गया टू लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज फिर आओगे आप Standard rent. What is standard rent? Two lakh ten thousand rupees. Take आपका Expected rent. Lower of three and four. Two lakh ten thousand rupees. फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इसके लिए बनाएंगे वर्किंग नोट वन और फिर यहां पर वेकेंसी भी थी ना नहीं हाँ यहां पर वेकेंसी भी तो थी यहां पर तो वेकेंसी भी थी ठीक है यहां पर वेकेंसी भी थी तो क्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट टू टेनेंट ने विकेट कर दिया ना प्रॉपर्टी को थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को टेनेंट ने प्रॉपर्टी को विकेट कर दिया कहीं पर क्वेश्चन में ये थोड़ी लिखा है कि उसके बाद गणेश ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्युपेशन कहीं पर यह नहीं लिखा है कि गणेश देन ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन तो इसका मतलब क्या है कि इकतीस जनवरी दो हजार पच्चीस को जब टेनेंट वेकेट करके चला गया तो फेब्रवरी और मार्च में प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी रही अगर वेकेंट पड़ी रही तो वेकेंसी भी आ गई यहां पर ठीक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए भी हम बनाएंगे यहां पर करेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने पे किए एट परसेंट ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ओके एट परसेंट ऑफ टू लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का एट परसेंट यह आ गया ट्वेंटी थाउजेंड ठीक है म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए टू ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ये आ गई आपके पास नेट वैल्यू फिर लेस

income from house property ये आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है अब यहां पर हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट वन कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेंट टिकुल रेंट रिसीव रेंट रिसीव्ड में क्या हुआ डिसेंबर थर्टी फर्स्ट डिसेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को इटलेफ्ट अच्छा रेंट कितना भी था बीस हजार रुपए महीने के रेंट पर प्रॉपर्टी को लेट आउट किया हुआ था और बीस हजार रुपए ही अनरियलाइज पड़ा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि बीस हजार रुपए इंटू हाउ मेनी मंथ तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ठीक है टेन मंथ्स के लिए टेन मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट थी लेकिन उसमें से नाइन मंथ्स का ही रेंट मिला है क्यों क्योंकि एक महीने का बीस हजार तो अनरियलाइज पड़ा हुआ है तो नाइन मंथ्स के लिए ट्वेंटी थाउजेंड इंटू नाइन रेंट रिसीवेबल ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन less unrealized rent. the actual rent. Thik, yeah, i 1 lakh 80,000. yeah, yeah 20,000. Yeah, yeah, 2 lakhs. yeah, 20,000. और ये आया वन लाख एटी थाउजेंड तो भाई एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवल तो आ गया वन लाख एटी थाउजेंड ठीक है लेकिन अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें वेकेंसी चाहिए होगी तो अब मुझे यहां पर करना होगा वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ठीक है तो मैं यहां लिखूंगा एक्चुअल रेंट वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज और वेकेंसी रेंट कितना होगा वेकेंसी रेंट होगा आपका ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज इंटू टू यानी फोर्टी थाउजेंड ठीक है क्योंकि अभी दो महीने के लिए वेकेंट था ना मकान 31 मार्च 31 जनवरी 2025 को ये मकान छोड़कर भाग गया और अगर 31 जनवरी 2025 को ये मकान छोड़कर भाग गया तो दो महीने के लिए वेकेंट पड़ा रहा मकान ठीक है दो महीने के लिए मकान वीकेंड पढ़ा रहा तो दो महीने के हिसाब से चालीस हजार रुपए का ये मेरे पास वेकेंसी रेंट आएगा राइट तो अब अगर मैं एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट देखता हूं तो याद है वन एटी प्लस फोर्टी वन एटी प्लस फोर्टी मतलब कितना टू ट्वेंटी वन लाख एटी थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड वॉट इज द एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट इज टू लाख फिफ्टी थाउजेंड नहीं एक्सपेक्टेड रेंट इज टू लाख टेन थाउजेंड ओके अरे वाह वेरी नाइस एक्सपेक्टेड रेंट इज़ रुपीज ठीक है देखना अभी यहां पर तो अभी क्या हो, हो जाएगा व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट इज टू टेन थाउजेंड ठीक है अब मुझे एक बात बताओ क्या एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा आ रहा ज्यादा आ रहा रहा है है बिल्कुल ज्यादा तो क्या मेरे मन में कोई चोरी है नहीं अगर चोरी नहीं है तो मैं कह रहा हूं एक्चुअल रेंट इज ग्रेटर इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट विच इज वन लाख है मेरे मन में कोई चोरी है ही नहीं वन लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज ही मेरी ये आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू इसमें से बीस हजार माइनस करूंगा यह आ जाएगा वन लाख सिक्सेंड रुपीज इस वन लाख सिक्स रुपीज का थर्टी परसेंट देख लेंगे फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज प्लस सिक्सटी फाइव थाउजेंड रुपीज दिस इज वन लाख थर्टीन थाउजेंड रुपीज वन सिक्सटी माइनस दिस 47, रुपीज आ गई उस प्रॉपर्टीज आई आपकी अब तो काम समझ में आ गया है. प्रथम कह रहे सर रेंट थ्री का होगा क्या नहीं होगा क्यों नहीं होगा प्रथम क्योंकि वो तो जनवरी छोड़ के भाग चुका है अगर वो नहीं भागता अगर वो साल के एंड तक किराएदार बना हुआ रहता तब हम कहते रेंट रिसीवेबल तीन महीनों का है ठीक है तब हम कहते हैं वो रेंट रिसीवेबल तीन महीनों का है रेंट रिसीव कितना किया आपका जो किराएदार है आपका जो किराएदार है वो वो रेंट रेंट उसको उससे हम लोगों को रेंट मिला कितना उससे हम लोगों को रेंट मिला टिल टिल जनवरी महीने का तो उसने रेंट दिया ही नहीं तो ट्वेंटी थाउजेंड इंटू नाइन वन लाख एट्टी थाउजेंड रुपीज का रेंट यहां पर मिल गया ठीक एक महीने का किराया उससे मिलना बाकी है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज वाला जो रेंट है वो अनरियलाइज है तो मतलब एक महीने का रेंट उससे मिलना बाकी है और वही का वही मेरा पूरा का पूरा अनरियलाइज हो गया तो मुझे जो एक्चुअल में मिला वो कितना मिला मुझे जो एक्चुअल में मिला मिला वो वो तो का राइट अब जनवरी के बाद वो मकान छोड़कर चला गया और क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि उसके बाद उसके जाने के बाद ये जो भी बंदा है गणेश इसने खुद मकान में रहना शुरू कर दिया अब अगर इसने खुद मकान में नहीं रहना शुरू किया और कोई दूसरा किराएदार भी नहीं आया तो मतलब दो महीने के लिए मकान खाली पड़ा रहा

एक्चुअल रेंट और अगर अ, मतलब अगर और इसके बराबर है या इससे ज्यादा है मतलब आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो जितना रेंट आपको मिला है वही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी तो एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट कितना गया टू लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज का एक्सपेक्टेड रेंट आ गया टू लाख टेन थाउजेंड रुपीज का तो ये इससे ज्यादा हो गया आपके मन में कोई चोरी है क्या बिल्कुल आपके मन में चोरी नहीं है अगर आपके मन में चोरी नहीं है तो वॉट इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज वॉट द रेंट यू एक्चुअली रिसीव्ड तो ये कितना मिला आपको ये वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज का मिल गया है ठीक है ये आपको वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज का मिल गया है तो वन लाख एटी थाउजेंड रुपीज आपका यहां पर आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्लियर हो गई क्वेश्चन फिफ्टीन में क्या डाउट है देखो अब अगर किसी को भी अब डाउट है आप लोग प्लीज रिवाइंड करके देखेगा इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करना आपका कोई डाउट बचेगा नहीं बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन ठीक है तो अब बार 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 बार, बार वही वही चीजें आप करोगे ना तो वो मेरे से पूछने से बेहतर ये होगा कि आप एक बार खुद से जब क्वेश्चंस को देखोगे और आप खुद से समझोगे तो आपको और चीजें क्लैरिटी के साथ समझ में आएंगी और बाकी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके आराम से देख सकते हो ठीक है डन एवरी केशव आपका डाउट है वन क्यों लिए हो गया ठीक है डन राइट ठीक चलो थैंक यू सो मच एवरीवन दोपहर को ढाई बजे मिलते हैं और इसको आप लोग देख लेना अच्छे से इसका अच्छे से इसका रिवीजन करना देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं रिवीजन करते रहना पड़ेगा आप लोगों को साथ साथ ठीक साथ, साथ। है चीजें इतनी ज्यादा आती जाएंगी चीजें इतनी ज्यादा भी बढ़ती जाएंगी कि आप लोग अगर रिवाइज नहीं करोगे और मैंने आपको दूसरी क्लास के अंदर ही बता दिया था कि रिवीजन प्लानर आपको कैसे बनाना है और रिविजन आपको करना ही पड़ेगा इस बार इंटरमीडिएट में कोई चॉइस नहीं है इंटरमीडिएट में कोई ऑप्शन ही नहीं कि मैं कम रिविजन करके भी कर लूंगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इंटरमीडिएट में ऐसा कुछ नहीं है इंटरमीडिएट में स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन आपको रिविजन प्लानर बनाकर मेंटेन करके उसको फॉलो करना ही पड़ेगा देर इज नो अदर वे आउट ठीक है चलो थैंक यू टेक केयर बाय